दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लेज कंपनी के एक बेहतरीन प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का नाम है जी डर्मा प्लस एक्सट्रीम कंट्रोल। ये क्या काम करता है? जैसे सभी प्रकार की फसलों में लगने वाली बीमारियां, जैसे जड़ गलन, कंठा रोग, झुलसा, डैम्पिंग ऑफ लीफ स्पॉट के विरुद्ध अत्यंत प्रभावकारी, पत्तों में पीलापन पड़ना, कुकर्रा रोग लगना जिससे पत्ते मुड़ जाते हैं, पत्तों में काले दाग पड़ना, पत्ते गलना, फसल में कीड़े लगना, ऐसी बहुत सारी बीमारी होती है जो कि फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। सभी प्रकार की फसलों में लगने वाली बीमारियों के लिए है इसके जो प्रभाव। इसके उपयोग से फ्यूजेरिया, राइजोकोटनिया, स्क्लोरोसियम, मैक्रोफोमिना, अल्टरनेरिया, हेल्मिथोस्पोरियम, पीथियम, फाइटोपथोरा आदि रोग फैलाने वाले कारकों, मिट्टी तथा बीज जनित की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसे आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं? इसे आप पांच तरीके से आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे पहला, बीज पौध का उपचार। 10 ml जी डर्मा प्लस को 1 लीटर पानी में 30 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखाकर लगाएं। बायोफर्टिलाइजर व बायोफंगिसाइड के साथ बीज उपचार किया जा सकता है। सेट कलम उपचार कैसे करेंगे? 125 से 250 ml जी डर्मा 60 से 80 लीटर पानी में मिलाएं। सेट को 30 मिनट तक भिगोएं और लगाएं। मिट्टी उपचार कैसे करेंगे? 100 ml जी डर्मा 100 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाएं और पौधे की जड़ों में डालें। इसका स्प्रे आप कैसे करेंगे? 100 ml जी डर्मा 50 लीटर पानी में मिलाएं या 2 ml प्रति लीटर की दर से मिलाएं व स्प्रे करें। दोबारा 10 दिन के बाद फिर स्प्रे करें। बायोफर्टिलाइजर व बायोफंगिसाइड के साथ मिलाकर उपचार किया जा सकता है। पेड़ों के लिए उपचार कैसे करेंगे? 10 से 12 ml जी डर्मा 1 लीटर पानी में मिलाएं और स्प्रे करें। यह वातावरण अनुकूलित है, इसका मनुष्य, पक्षियों, जानवरों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सो दोस्तों, आपने जी डर्मा प्लस एक्सट्रीम कंट्रोल के बारे में आपको पूरी जानकारी आपको मिली होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और ये आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपको हमारे जो भी वीडियो हैं, आपको जो भी वीडियो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है वो आपको मिलते जाएगी। तो सो दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।